हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम्स। मेजर लीग सोकर का मैच हो रहा है वैंकूवर वर्सेस एलए गैलेक्सी के बीच 7 घंटे 43 मिनट के बाद, और एक मैच है ऑरलैंडो और एटीयू का। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं इसकी वीडियो नहीं डाल पाया था, ठीक है। तो बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात करें इस मैच की। तो भाई, वैंकूवर और एलए गैलेक्सी में जो टीम्स हैं, ये दोनों बहुत अच्छी टीम्स हैं, लेकिन एलए गैलेक्सी इनसे थोड़ी सी आगे है। थोड़ी इन द सेंस, इनकी स्ट्राइकिंग बहुत लाजवाब है, स्ट्राइकिंग और डिफेंडिंग का कोई जवाब ही नहीं, और जिस टीम की डिफेंडिंग और स्ट्राइकिंग अच्छी होगी उस टीम को हराना मुश्किल हो जाता है। तो बात करें यहाँ पर गोलकीपिंग की, तो गोलकीपर का आज असली इम्तिहान है, क्योंकि आज सामने है एक बहुत ज़्यादा रॉकिंग टीम, तो आज इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आना होगा आज इसको मैच खेलने। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब ये इंजर्ड था, इंजरी के बाद रिकवरी होती है ना, या तो प्लेयर बहुत अच्छा हो जाता है या बिल्कुल बेकार। लेकिन अब ये देखते हैं क्या करते हैं आगे से। अगर बात करें तो यहाँ पर एक कैसरेस, देन मैं आपको बता दूं कैसरेस ने पिछले मैच के अंदर की वापसी, लेकिन एक चीज़ डिसअपॉइंट कर गई मेरे को, वो था 64 मिनट खेलना। वरना इतना बड़ा प्लेयर 64 मिनट क्यों खेला, ना कोई इंजरी ना कुछ, पूरा फिट प्लेयर, पता नहीं क्या हो। ये लास्ट मिनट में ना, जो इसको लास्ट मिनट में भी सब्स्टिट्यूट करते तो चलता, लेकिन इसको 64 मिनट में जो सब्स्टिट्यूट किया वो डिसअपॉइंट था, है ना। आगे से बात करें कोलिबाली की, देन कोलिबाली को तो चलो अपन लोग लेंगे, क्योंकि कोलिबाली के बारे में आप सब जानते हैं कि बढ़िया प्लेयर है। एंड आर एडवर्ड्स, आपको पता है मैं आर एडवर्ड्स को बिल्कुल लेना छोड़ दिया था, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत दिनों से मिडफील्डिंग में था। मिडफील्डिंग साइड में मैं क्या करूँगा, देखिए आप बताओ, जब एक डिफेंडर क्लीन शीट के पॉइंट देता है तो बंदा उस लालच में डिफेंडर को लेता है। अगर यही इनमें से एक भी प्लेयर आपको मिडफील्डिंग में दिखेगा तो क्या आप उसे लोगे? कभी भी नहीं, मैं तो कभी भी नहीं लूंगा। ये गलती मैं स्मॉल लीग के अंदर करूंगा ही नहीं, ना मैंने आज तक की है। आगे से अगर बात करें अरौजो की, तो मैं आपको बता दूं जूलियन अरौजो में दम है, इसको मैं वाइस कैप्टन रखने की सोच रहा था, बट बस इसकी वापसी हो जाए, ओके। एंड आगे से अगर बात करें तो यहाँ पर लूंगा टिबट को मैं जानबूझ कर ले रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग स्कोपफ को यहाँ पर मैं अपनी टीम में नहीं ले रहा, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि स्कोपफ मेरे को खास प्लेयर नहीं लगता। अगर मैं प्लेइंग की बात करूँ तो स्कोपफ से 2 गुना आगे टिबट चल रहा है। एंड डेलेगेडो की बात करें, आप जानते हैं डेलेगेडो के बारे में, तो वाइस कैप्टन का अनदर ऑप्शन निकल के सामने आता है। मानता हूं ज्यादा गोल्स नहीं है, लेकिन अगर एक बंदा एक गोल कर रहा है और एक बंदा 2 असिस्ट कर रहा है तो बराबर ही हो गए पॉइंट्स, तो फिर तो मैं असिस्ट को ही बोलूंगा। एंड आगे से अगर बात करें कुबास की, कुबास बिना कुछ करे ही पॉइंट देता है। पिछले मैच के अंदर बंदे ने कुछ नहीं किया, ना असिस्ट, ना गोल, ना एक गोल की ट्राई, और ना कुछ किया, सिर्फ इस बंदे ने 8 टैकल और 2 इंस्क्रिप्शन कर दिए, डिफेंडर वाला काम कर गया, कमाल ही कर गया पिछले मैच में। आगे से बात करें जे हर्नांडिस की, पता नहीं पेनल्टी बड़ी छोड़ता है यार, ये मेरे को इस बंदे से बहुत खिंच चढ़ती है। पिछले मैच में पेनल्टी आई, मिस कर दी, एसएस के खिलाफ गोल किया, आई एग्री, एसपी और एसपी केसी के खिलाफ भी किया, बहुत पेनल्टियाँ मिस करता है, आपको दिखाता हूँ, इसका तो रिकॉर्ड है, इतनी पेनल्टियाँ मिस करता है कि आई कैन टेल यू, मतलब पेनल्टी बड़ी मिस करता है। बस मैं चाहता हूँ पेनल्टी आए या ना आए उससे मुझे मतलब नहीं, पेनल्टी रुक भी जाएगी उसमें भी प्रॉफिट है, नहीं रुकी उसमें तो खास ही प्रॉफिट है, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से पक्की कर रहा हूँ, लेकिन ये पेनल्टी टेकर अच्छा नहीं है ये। बात करें जोवेलिक की इंजरी ठीक है, क्योंकि वो इंजर्ड हुआ ही नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा बहुत तो मांसपेशियाँ खिंचती रहती है, भाई फुटबॉल है, अगर अब इसमें नहीं खेलोगे, अब सब्स्टिट्यूशन आ रहे हो तो नहीं इंजरी हो रही, अब ये सब्स्टिट्यूशन तो 20-20 मिनट खेल जाते हैं, उसमें कैसे खेलते हो, वार्म अप नहीं होते क्या? तो इसलिए मैं आपको बता दूं जोवेलिक जो प्लेयर है इसको प्लेइंग 11 में लाना चाहिए, बाकी नहीं लाएंगे ये खुद जिम्मेवार होंगे अपनी हार के। एंड गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को मैं लूंगा यहाँ पर, क्योंकि गोल्ड ने इस सीज़न रंग बदल लिया अपना, बढ़िया खेला। एंड आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है जी हर्नांडिस, वाइस कैप्टन ये ना खेला तो पहली बता रहा हूँ अरौजो को रख देना, बस एक चॉइस दे रहा हूँ, सीधा सीधा अरौजो को रख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।